हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं राउंड टू वर्ल्ड चैनल से न्यू वीडियो, जोकर द इंसेक्ट। जोकर द इंसेक्ट राउंड टू वर्ल्ड। ओके, तो चलो यार ये वीडियो देखते हैं। भाई जोकर और इंसेक्ट का क्या मतलब एक साथ कॉम्बिनेशन है, इस वीडियो में अभी हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो डू चेक इट आउट। और इसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। अबे चार मार मार ली, जिंदा हो गया बाबा। एंटीबायोटिक 12-25-16 ठीक है? हैं? एंटीबायोटिक 12-25-16 बेटे पढ़ते हो ना? खेलता हूँ। कौन सा खेल खेलते हो? गान बुद्धि खेलोगे? हाँ सर। सर अरे सर ये तो बता दो तुम कर क्या रहे हो? इसमें हाथ खेद दूँ मैं? हाथ पे बोले जा रही है ये। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। बड़ा? और कितना बड़ा करोगे? ये नहीं, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ यार। मेरे रेंजर का पिंचर जुड़ा ही ना आज तक, लाइफ में कुछ बड़े करने चाहता हूँ। वो अलग बात है, लेकिन मैं ऐसा जोकर बनाने वाला हूँ जो मैं हर तरीके से खुश रखेगा। इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। काम पे लगो। इस साइड से कौन सा इंजेक्शन लगता है भाई? अब मेरे बरसों की मेहनत पूरी होने वाली है। पीछे उड़ो। होश में आ गया। ओ भाई। यस। अब सबसे पहले मैं लूंगा इसकी। अरे विलियम भाई थोड़ा सबर तो कर लो, ये तुम्हारी गांड में भी कीड़ा ही है। कीड़ा? अरे कोई अब उल्टे मार यहां, भागो भागो। कीड़ा बहुत ज्यादा साइंस टूट रही है। विलियम भाई अब क्या होगा? अब क्या होगा? इस बाय नॉट बात की थी। हमने उसको लेने के लिए बनाया था, लेकिन वो अब सबकी मारेगा। वो बहुत खतरनाक हो चुका है। मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी को यहाँ पता नहीं चल जाए उसको हमने बनाया है। हमने? ये तुमने? तुम मेरे साथ नहीं थे क्या? सालों नाम खोल दूंगा थाने में, बता रहा हूँ। यहाँ से जल्दी कल्टी खोलो। मैं शराबी नहीं, मुझको बोतल न दो। ठीक है मारियो भाई, गुड नाइट। ठीक है मेंदियासन भाई, गुड नाइट टू मेंदियासन भाई। मेहंदी हसन, इतनी मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी खातिर बहू को भेज दूंगा, साली को, बच्चों को भेज दूंगा, बहन कड़े को। फिर दोनों भाई 1.5-3 महीने तक लगातार दारू पियेंगे। पीछे मेरे भाई ऐसे ही करते हैं। और सुनो, बोलो। अपने गांव में जोकर फिर रहा है, बस के रहना, सबके गांड मारता है। मेरी नहीं मानने का, तुम टेंशन मत लो, सबकी मारता है। जब कह रहा हूँ बस के रहना तो रहना। मैंने तुझसे किया ना, मेरी नहीं मानने का वो। अबे भोसड़ी के, बच के रहना तो रहना बस। मारियो का गुलर पकड़ता है तू साले? तू साले कहीं का मंत्री है क्या? भोसड़ी के, तुझसे कह रहा हूँ बच के रहना तो रहना। तूने मारियो पे हाथ उठाया साले? सुबह को रिजवान प्रधान के यहाँ पंचायत जो कि बहू को बुला लिया। परवीन भूख लग रही है, रोटी लागे थे मुर्गे से। आज फिर पी के आ गया सुअर? तेरी माया लग गई है, तेरा बाप यहाँ लग गया मुर्गे। साली बज्जुबान औरत, थप्पड़ इतना फेरूंगा गिने नहीं जाएंगे। तेरा रोज का यही है, शराब पीनी और बहू को मारना। तुझसे आज तक हुआ क्या अपनी जिंदगी में? वन है कर तो दिए 11 बच्चे वाह कर भागी
बच्चों को तेरी कार में घूत दूंगी, तालियां बजवा दूंगी, तालियां। सुसरे की जाजी मुझे और इतने माँ को चढ़ूंगा तेरी। हाथ मत उठाइए, मैं बता रही हूँ, मिनट दो लगेंगे, कपड़े फाड़ के थाने में पहुंच जाऊंगी, सब खींचे फिरोगे। दिमाग की मार छोड़ रही तू, बेन की भोफल। आइए आइए, तुमने बहुत मेरा जन्म दुखी कर लिया, आज बताऊंगी तुझे मैं जानवर। और तुम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तुम्हारी माँ नाच रही, क्यों नाच रही है यहाँ पे? चुदे हुए यहाँ मजम्मत बनाने आ जावे। सुअर, तूने बहुत दुखी कर लिए जानवर। परवीन परवीन मरवीन कुछ नहीं है, तुझे आज भी सुला के रहूंगी कबर में। राम के चुदे हुए, तूने बहुत जन्म दुखी कर लिया। नशा उतर गया, नशा पिएगा, शराब पिएगा, देखेगा बच्चों को आज से। जाहिल, पढ़ाई लिखाई का फिकर नहीं है बच्चों के, शराब पी ले। मैं तो कहूँ तेरी गौर मार दे जोकर, सब में फिर यहाँ मार दे भाई, लोग नहीं मार। सारे शराबियों को ऐसी बीवी मिले। ए शादी के अबू, क्या हो गया? देखिए मैंने रात तुम्हें मारा तो उसको नाराज होगा क्या तुम? देखिए सुअर थे जैसे भी थे तो मेरे ही। देखिए बोल लियो, क्या हो गया तुम्हें? एक अबू भाई, देखिए मेरे भैया को फोन लगवा दिया, बहुत परेशान हो रहे। हेलो सलीम, देखे भैया घर को आ जा, तेरे भाई का बोलता बंद है रात से, बड़ी परेशान हूँ मैं अकेली। देखे बोल ना रहा, चले क्या हो गया? ओए, क्या हो गया? अरे बाजी क्या हो गया, रो मत, क्या हो गया भाई को? देखे रात से नुके जा रहे थे, मेरी गाल घबरा रही है कि अब पता नहीं क्या हो गया, बोल ना रहे, कर जाओ बस। रुक जाओ मैं देखूं। अरे भाई बोलो क्या हो गया? अरे बाजी भाई रात सही कह रहे थे, इनकी तो जोकर मार गया, सूजी पड़ी पूरी। हाय कैसे होगी, कहाँ लग रहा है इसके? ठीक है देखिए, लेके चलो इनको। आइयो कपूर भाई, उठवाइयो उठाइयो। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सोफिया अंसारी, मेरे थोड़े हैं भाड़ी और मैं अब आ चुकी हूँ लोड़ा कॉलोनी। लोड़ा कॉलोनी में मेरे साथ हैं मौजूद परवीन बाजी। तो परवीन बाजी, मेरे दर्शकों को बताइए कि आपका क्या नाम है? परवीन। तो परवीन बाजी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर जोकर ने किसी के लिए या फिर अफवाहें फैल रही हैं? मेरे आदमी के लिए एक तो, और दो पल्ली पट्टी में मेरी सहेली है उनके आदमियों के लिए। तो सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा मिला है आपको? ना कुछ भी ना मिला, देख लो हमारा घर ऐसी खाली पड़ा सारा। नहीं आप ये बात झूठ बोल रही हो, सरकार तो कह रही है कि 10-10 लाख का मुआवजा दिया गया है। अच्छा वो 10 लाख रुपए, वो तो हैंगे मेरे पास। कहाँ है? देखो देखो 5 लाख ही रखे हैं, 5 लाख ही हैंगे। तुम्हें पता ही ना सरकारी काम होगा, लगे तो पड़े हमारे आदमी, लेकिन सरकारी काम और आदमी के हाथ लटके रहते हैं। ये बात तो आपकी ठीक है। तो बाजी सरकार से आपको कुछ कहना है? देखो सरकार से मेरी हाथ जोड़ के यही अपील है, अगर जोकर है या तो उसको पकड़ो, अन्य तो मुझे ऐसा लगे तो इलेक्शन की चाल है, कोई जोकर पोकर नहीं है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, जोकर है, जोकर देखा गया कई बार वीडियोस में। अगर जोकर देखा गया है तो नेताओं की क्यों नहीं मार रहे हो? नेता लोग तो क्वारंटाइन रहते हैं ना। चलो मैंने माना क्वारंटाइन रहते हैं, परसों रिजवान प्रधान की रैली निकली थी, 100 आदमी थे रैली में, तब क्या जोकर मुट्ठी मार के सो गया था? कहाँ था तब वो? हमसे तो कह दिया क्वारंटाइन रहो, अपने पिछवाड़ों पे ताले लगा लो। तो बाजी जो बात भी कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सरकार से मेरा हाथ जोड़ के यही निरोध है, अनुरोध है कि बाजी की बातों पर अमल किया जाए। अब वक्त हो चुका है चुदाई का, अबे मतलब विदाई का, तो ऐसे ही मिलेंगे आपको हम खास खबरों के साथ। देखो खुर्शीद, तेरी गाड़ी तो बढ़िया लगी मुझे, लेकिन तेरी आँख बहुत सुअर हो रही है। अबे इसमें पानी डाल दे, इन्होंने आँखों की माचो आ जाती, पानी उन्हीं डाल दे इस पे। अस्सलाम वालेकुम दिल से। अच्छा अस्सलाम, बैठ बैठे बीड़ी लगा ले। अच्छा भाई, हाँ यार बीड़ी लगवाओ। और बता भाई क्या चल रहा? अल्लाह, अरे चाचा क्या बताऊं, जोकर ही चल रहा तमाम। पीली भीत में हमारी बहनों की गाल मार दी। बेटे अभी तेरी इतनी उम्र नहीं है जितनी हमारी है, ये जो अफवाह फैल रही है ना ये सब झूठ है। हाँ। अजी मेरा लौड़ा, तुम्हें कुछ पता भी है ना? तेरे बहनों ने देखा उसको? देखा तो ना है। खैर लो कर लो, इसके बहनों की वो गांड मार के चला गया, इसके बहनों को ये पता नहीं चला कौन मार के चला गया। चाचा मेरी बात का यकीन करो, वाकई में फिर रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ अपने टाइम से सो जाओ ना, तो कभी ऐसा हो जा चाची की दुक्की पीट रहा हो वो तुम्हारे पीछे से पीट दे। अबे हमें यकीन नहीं है इन बातों पे, ये सब बेकार की बातें हैं नगी लोड़ी। अरे चाचा माना, तुम हमसे उम्र में बड़े हो, हमारे अब्बा के साथ उठना बैठना है तुम्हारा, मगर भोसड़ी के मेरी बात का यकीन कर ले तू। मैं लोड़ा तेरी साले, कैसा यकीन कर ले हम,
हमने नहीं देखा वो पहले साली चुटिया कट रही अब वो कट रहा कभी बंदर घूम रहा है लोंडियों को उठाने वाला अब ये जोकर घूम रहेगा अब तुम साला पढ़े लिखे हो गए जाहिल बनने हो बेला के लोड़ो हमारे पास को भेजे तेरी जान पहचान हो तो उससे हम देखते हैं दिलसाद के गाल मार के दिखावे जब जाने हम उस भोपले को जोकर को बेला लोड़ा मैं तमाशा बना के रख दिया दहशत बिठा रखी है अरे चचा क्या हो गया क्या हो गया मार दी कैसे अरे तुम मोटा था और ये लंबा था भैया तू भी मुझे समझा ना सके हाँ कल क्या हमने तुम्हें लंच समझाया ये बताओ दर्द तो ना हो रही है अब दर्द नफसी नफसी का आलम है टोपा टोपा ही रखा इतनी तगड़ी चीख निकल गई मेरी पूरा मोहल्ला जाग गया भाग गया ना तो मैं भी मारता बेइज्जत की चचा तुम हिसाब लगाओ तुम्हारी तो टोपले टोपले में आंखें फैल गई हमारे बहनोई साहब की तो 2 घंटे लगातार मारी है अब तक बोलता बंद है उनका अरे बोलता तो मेरा भी बनता फजर के टाइम तक अब थोड़ी तसल्ली है दवाई खाई अब मैं टीका लगवाने जा रही हूँ टीका लगवाओ अब तुम छोड़वाना बहन के थोड़ी गौण में बल्ली कर दो वैसे यकीन आ गया ना अब हाँ भाई पूरा यकीन आ गया मुझे भैया बेनना का लोड़ा कटुआ मिल गया बस हेलो सर मैं डीएसपी बोल रहा हूँ लौड़ा कॉलोनी सर यहाँ पर जोकर के बहुत तेज है सर भीड़ भाड़ आ रही है सर जल्दी कुछ करिए सर ठीक है तुम टेंशन मत लो मैं कुछ करता हूँ हेलो सर रामपुर से विधायक बोल रही हूँ सर यहाँ जोकर के बहुत केस बढ़ रहे हैं प्लीज कुछ कीजिए ठीक है ओके नेताजी के पास फोन पे फोन करे तो करे क्या हेलो विलियम भाई जहाँ कहीं भी हो अभी के अभी मेरे पास आओ ओके विलियम भाई देश के बहुत बुरे हालात हैं हाँ मुझे पता है जोकर फिर आटू झाटू सबकी मारता फिर है वो वैसे तुम्हें कैसे पता तुम तो अमेरिका में थे अरे सोशल मीडिया का जमाना है प्रधान जी ग्रुप में वीडियो आती रहती है अभी 2 दिन पहले एक वीडियो आई थी मेरे पास सदीक के लड़के की मार रहा था वो फक मी दस बॉयज हाउस और भोसड़ी के तू विलियम प्रधानमंत्री हैं हम भोसड़ी के आप तुमसे एक जोकर नहीं बने अरे हमसे जोकर मरता तो भले ही दिन ना थे तुम्हें किस लिए बुलाते हम दिस इज अ वेरी डेंजरस प्रॉब्लम नॉट चिंता मेरे पास इसका सौदा है मैं करता हूँ कुछ ओके नाइस टू मीट यू आप मेरा पी टाइम मिले तो मुझे बात समझ में नहीं आ रही इस जोकर को कैसे मारा जाए तुमने बनाया उसे तुम ही बताओगी कैसे मारा जाए अबे यार बना दिया मैंने नक्शेबाजी में अब मुझे नहीं पता कैसे मारा जाए अरे मेरे दिमाग में एक आइडिया है बता बता क्यों ना उस जोकर की जोनी सिंह से मरवाई जाए यस कॉल लगा उसको अरे किसकी कॉल आ रही है ये तो जोनी सिंह की कॉल आ रही है हैंड फ्री करो हेलो विलियम सोडा स्पीकिंग तुम्हारे यहाँ की जोकर ने मेरी कहाँ मारी लो जोनी भाई साहब थक्की मार दी उसने अरे ये क्या परेशान कर रहा है लो ये कीड़े तंग कर रहा है यहाँ पे कीड़ा याद है मैंने जब तुमसे कहा था कि तुम्हारी में कीड़ा है क्या तो सबसे पहले जोकर ने उठते ये कहा था कीड़ा लगता है वो सबकी गांवों में कीड़ा ढूंढ रहा है हाँ तो सही तो ढूंढिया जैसे इनकी गांव में था उसे बनाने का कीड़ा इसका मतलब वो असली कीड़ा चाहता है असली कीड़ा मैंने रिसर्च किया था 90 साल पहले उस कीड़े का नाम सुलेमानी कीड़ा है पहले जब तक वो कीड़ा उसे नहीं मिलेगा वो मरेगा नहीं वो कीड़ा कहाँ मिलेगा वो कीड़ा प्रतापगढ़ के जंगल में मिलेगा जंगल बहुत खतरनाक है मैं प्रधानमंत्री से बात करके आता हूँ मंत्री साहब जोकर को मारने का फार्मूला मिल चुका है अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है क्या है वो फॉर्मूला एक कीड़ा कीड़ा वो तो मेरी गांड में है सुवर ये वाला कीड़ा नहीं सुलेमानी कीड़ा वो सिर्फ प्रतापगढ़ के जंगल में मिलता है तो जाओ फिर लेकर आओ उसे जाओ फिर लेकर आओ उसे तेरी मदर वहां रख के आई है तेरे पापा रख के आए है बहुत खतरनाक जंगल है अगर वहां से कोई चला गया तो वापस नहीं आता प्यार की छू तुझे उंगली क्या पकड़ा दी तूने गट्टा ही पकड़ लिया इससे आयो को मैं नहीं जानता अपने आप बताओ अरे विलियम भाई देख लेते यार तुम्हारी नजर में कोई आदमी हो तो जो ला सके 4 आदमी है कौन वही जो माउंट पेरिस पे चढ़े थे फतेह किया था वो बागड़ी देख ले भाई अब तो वही है चलो तो फिर बुलाओ उन्हें ओके काम बताओ मंत्री साहब काम तुम्हें प्रतापगढ़ के जंगल से सुलेमानी कीड़ा लाना है कीड़ा काम हो जाए
40 लाख रुपए मिलेंगे। 40 लाख रुपए काम हो जाएगा, मैं अपने आदमियों से पता करके बताता हूँ। 4 लाख में बात करके आया हूँ अंदर, 4 लाख में। 4 लाख? हाँ, यानी झूठ बोल रहा है अपने साथी से। 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। अबे भोसले के झाटू, 4 लाख मेरा जा रहा है ये। लंग? हाँ। तू अलग है। तुम भाई आप बताओ, क्या हमारी जान 1-1 लाख रुपए की है? अबे तुझे पता भी है जो उस जंगल में जाता है कभी वापस आया? तुम मुझे एक बात बताओ, कितने दिन हो गए पैदा हुआ हुए? 2003 में हुआ। 18 साल के हो गए? आज तक 1 लाख रुपए एक साथ देखे? जोनी भाई आप बताओ। देख भैया मेरी बात सुन तू ध्यान से, इसमें बैठ टब्बा खा अपने घर को जा, हमारा औसत नहाने का ऐसे बढ़वा रही हो तो बढ़वा दे पैसे। हिसाब नहीं आ रहा? नहीं। अंदर जाके मैंने कर दू 4 लाख को? हाँ बढ़वाओ अंदर। एक बात बताओ मंत्री साहब, क्या हमारी जान की कीमत 10 लाख रुपए है? मैं तुम्हें 4 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन हर हालात में मुझे सुलेमानी कीड़ा चाहिए। 4 करोड़ रुपए? समझो काम हो गया, हमें पता दो। ये लो मैप, मैंने पूरा तैयार किया हुआ है। मंत्री साहब, आप 4 करोड़ वाले पाते से मुकरोगे तो नहीं? डील डन। तेरे मुंह में मेरा चार करोड़। 40 लाख में बात करके आया हूँ अंदर, 40 लाख में। हाँ भाव, क्या हुआ? आप भी कम है क्या? मैं झाड़ू आ जंगल में घूम। ओ भाई यार, ये कहां से सेटअप, कहां कैसे किया होगा? अबे नूरत भैया मेरी बात सुन ले तू, मुझे लग रहा है यहाँ पे जान का खतरा, इतने सारे जानवर मरे पड़े हैं, शेर वेर तो होगा, इससे तो शहर में होते जोकर गाली तो मारता जान से थोड़ी। क्या इस दिन के लिए तुमसे तैयारी करी थी हमने? याद करो वो दिन जब हम माउंट पैरिस में चढ़े थे, तुमने कहा निरोध भाई हमें नगद गांड चाहिए, हमने तुम्हें गांड दी, तुम ये सिला दोगे यार? इस दिन के लिए यारी पाली थी? सोचो जोनी भाई सोचो, अगर हम पे 10-10 लाख रुपए हुए तो हम जोकर की क्या, जोकर की माँ की भी माँ चोस सकते हैं। तुमने यार दिल तोड़ दिया पहल की, दिल तोड़ दिया यार इन्होंने यार। साले पागल है तू, 10-10 लाख रुपए पे फोकस रखो बस, समझ गए? जोकर की बहन की। अबे भैया कोई खतरा मतरा ना इस जंगल में, और जोनी भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि 3 पेड़ ढूंढो और सुलेमानी कीड़ा उठाओ और चलते बनो अपने घर को, और जरूरी कोई है कि वो पेड़ भी जंगल में होंगे, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। यहाँ? यहाँ कैसे हो सकते हैं भाई? अबे भैया ये भी तो जंगल ही है। ठीक बात कह रहा हूँ, और सोचो वापस जाने के बाद हमारा कितना नाम होगा, कि कितने आदमियों की गाले बचाई है उन चारों ने। अब इसका क्या कर रहा है, कल को 2-2 रुपए का गिल्ली बल्ला मैच रखेंगे, अपनी टीम को ले वाली है। जोगर भाई मेरी गांड मत मानना, मेरी काली है, बहुत बड़ा नेस्ट हूँ, जब से जा रहा है नहाया भी ना हूँ। मैं तेरी जान और गांड दोनों बकस दूंगा, मगर एक पहेली पूरी करनी पड़ेगी। पूछो। चम्मच पे चम्मच, चम्मच पे जीरा, पूरी कर। जोगर भाई की गांड में खीरा। ना 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 ना, जोगर भाई इलाकों में हीरा। हाँ। जा तेरी जान दोनों बगस दी। हजरात एक ऐलान बगौर समाज फरमाए, ऐलान ये है कि जोकर से डरने की जरूरत नहीं है, जोकर का इलाज मिल चुका है। जोकर आपसे एक सवाल पूछेगा, चम्मच पे चम्मच, चम्मच पे जीरा, उसका जवाब है जोकर भाई लाखों में हीरा, जिसने जवाब दिया वो बच जाएगा, याद कर ले। भाई निरोध भाई एक बात बताओ, पिछले 57 साल से तुम हम चारों के साथ हो, बहरहाल एक रिश्ते से तुम हमारे साड़ों में लगो, पर हमें ये नहीं पता तुम्हारा नाम निरोध क्यों है, ये बताओ यार तुम्हारा नाम निरोध किसने रखा? टोनी भाई तुमने दिल की बात छिली यार आज। अगर इस जंगल में कुछ मिलता ना तो तुम्हें खिलवाता जरूर, अगर उसे पैसे होते तो तुम्हें देता जरूर।
बताओ बताओ। तो बात 1998 की है? नहीं, पीछे से बताओ। तो बात है 1990 की। एक गांव था बिलासपुर थाना, समझ गए? उसमें खुर्रम नाम का आदमी रहता था, ठीक। और एक गांव तो साइड में मिठेपुर सीकरी, वहां पे एक लड़की रख रही सगीना, उससे हमारा बुक मोहब्बत हो गई और फिर हम पैदा हो गए। नहीं, थोड़ी सी और पीछे से बता दो। तो बात 1950 की है। एक गांव था उसमें नूरअली खा रहते थे, वो हमारे दादा थे, उनकी शादी हमारी दादी से हुई और हमारे अब्बू पैदा हुए, हमारे अब्बू को मोहब्बत सकीना से हो गई, फिर अब पैदा हुआ। थोड़ी सी और पीछे से बता दो बस। तो बहन की लोड़ी दुनिया थी नहीं, आदम अली सलाम आए, माँ हुआ आई, उनकी शादी हुई, फिर उनकी औलादों की औलादे औलादों की औलादे औलादों की औलादे। और पीछे से बताओ, थोड़ी सी रिक्वेस्ट। क्या लोड़े, कितनी पीछे से बताओ सुअर। रुको निरोध भाई, रुको। तुम पागल हो गए टोनी भाई? और पीछे से बताऊं, और पीछे से बताऊं। निरोध भाई तुम वहीं से बताऊं। हाँ तो 1998 में पैदा हुए हम, हिसाब ना था हमें पैदा करने का, 11 बच्चे पहले ही थे। तो हमारे अब्बू का दुग्गी पीटने का मन हो रहा था, फिर भाई उसके गुब्बारे के ऐड डाल लगे, हमारे अब्बू ले आए। अरे क्या बताओ यार, जब दुग्गी पीट रहे थे ना, बताओ तो निरोध फट गया यार, हम पैदा हो गए। जब से हमारे दादा ने कह दिया इसका नाम है निरोध का। अच्छा, तो तुम फटे हुए कोंडम के नतीजे हो। बहन से उल्टा ही बोल लिया, तोड़ कर डाल दूंगा, कीड़ा ढूंढो, चलो। हद है भाई। अब ज्यादा हंसने जो उतना है, मुझे पता है तो क्या पूछेगा, उसका आंसर भी मुझे पता, जल्दी पूछ तड़ा नाम उस पे। हरी हरी घास में जो चाबी पड़ी थी बचा के तू। ये कौन सी बात हुई यार, ये तो बेमंडी वाली बात हो गई। अपना वाला मरो ना, वही वाला जम्मा चम्मच वाला, जमी तो सुअर चलाक बन लिया, आ जा साइड में को। इंसान, यहाँ भी आप पहुंचे, लगता है जंगल को नाश करने के लिए आए हैं, पर मैं होने नहीं दूंगा, पर मैं करने नहीं दूंगा। अरे भौसड़ी के साले की पसलियों में को हवा निकलने को तैयार है, साले भौंका फाड़ दूंगा एक घूंसे में, तू बचा लेगा इस जंगल को? चाचा पैर तुम्हारे कवर में को लटक रहा है, जाओ अपने घर को जाओ, रोज नमाज से लगो, यहाँ जाने क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं अमर हूँ। मैं मर नहीं सकता और ना ही मुझे दर्द होता है। अच्छा, दर्द ना होता चाचा, रुको चाचा, बताओ मार दूँ घूसा, बताओ फाड़ दूँ एक महीना, ठंड में थोड़ा सा। तो काय को नक्शेबाजी दिखा रही हो? देखो बच्चो, तुम यहाँ तो गए हो, पर ये जंगल बहुत खतरनाक है। जो यहाँ आज तक आया है ना, वो जिंदा वापस लौट के नहीं गया। अबे गांडू, तू यहाँ 50 साल से ऐसी तैसी मनवा रही, तुझे कुछ ना हुआ, और हम यहाँ अभी आके खड़े हुए, हमें मौत आ जाएगी। मैं मरूँ ना? अरे हो खतरनाक खतरनाक जंगल, पैन का भोफड़ा हम देखेंगे, आओ आओ। अरे अरे बेटा भी सुन लियो, ये जंगल बहुत खतरनाक है, संभाल के जाइयो। ये क्या भगवान है भाई, अबे क्या हुआ? अबे भोसड़ी के पानी दे दे। निरोध भाई, इसमें करंट आ गया। अबे यार बेघर की बात कर रहा हूँ यार, इसमें कहाँ से करंट आ गया, अभी उखाड़ के फेंकता हूँ उसको। क्या हुआ, आ गया मजा? अबे भैया मुझे लग रहा है बहुत डर, आओ वापसी चलना है। अबे बेकार की बातें कर रहा हूँ यार, अबे इसमें तो करंट आ रहा है, आओ पेड़ की साइड में से निकल के चलने। सालों गांड फाड़ दूंगा साइड पे निकल गए तो। कौन बोल रहे भाई? पेड़ है, पेड़ तो तुम पे यार फल भी आ रहे होंगे, लाओ दे दो, भूख लग रही बहुत टाइम से। फल तो ना फल ही है, लेकिन नीचे के मुँह से खानी पड़ेगी, खाएगा इसके नीचे से निकल के जाना पड़ेगा। के नीचे निकल के जाना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। चलो निकल गए। अबे यार ये निरोध भाई हम कहाँ गए यार, आगे तो रास्ता भी ना है। अरे यार तुम नक्शा देखो, इधर गुजरो। बहुत बढ़िया, ये कौन है भाई? अबे यार निरोध भाई कहाँ मिलेगा कीड़ा यार? मैं बताऊँ,
तुम कौन? पत्थर की मूर्ति। पत्थर की मूर्ति? तो बोल कैसे रहे हो फिर? मैं पत्थर का जमा हुआ हूँ, पर मुँह मुँह चलता है मेरा। तुम हमारी मदद कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दो सवालों का जवाब दो। पूछो पूछो। आलू की चार खांप, नारियल का खोपड़ा। तेरी माँ का भोसड़ा। भूल गया 10 साल बाद। दूसरा सवाल पूछो। मोहब्बत करेगा, रुकेगा नहीं। पुष्पराज, झुकेगा नहीं साला। बिल्कुल सही जवाब। आपके क्या खुला भाई? ये भी खुलना जरूरी है ना। कीड़ा कहाँ मिलेगा? इधर को जाइयो, 3 पेड़ मिलेंगे, वहीं मिलेगा। थैंक यू। वाह, यही है वो 3 पेड़। 1, 2, 3। कीड़ा ढूंढो। कीड़ा यही ढूंढो, कीड़ा ढूंढो। वाओ, प्लास्टिक का स्पाइडर। कीड़ा मिल गया। साला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। विलियम भाई, आओ इसे खंदे में फेंकते हैं। अरे यार, तुम बेकार की बात तो करो मत यार। तुम्हें पता कितनी महंगी मोटर लगी हुई इसमें? 5 लाख रुपए की मोटर लगाई हुई है यार हमने इसमें। आई वांट नॉट रिफ्रेन। तुम्हें पता है तांबा कितने रुपए किलो चल रहा है? 5 kg इसमें 4, 80 किलो। अरे विलियम भाई, तुम भी बेकार की बात कर रहे हो। तुम्हें पता भी है हमारे लिए मराओ भी कितना खतरनाक साबित हो सकता। इसने साले को खंदे में फेंको। और तुम पागल हो क्या कि तांबा निकाल लूंगा वो निकाल लूंगा? अरे यार, खामू खा की बातें छोड़ो। तुम्हें पता है कितना कीमती सामान लगाया हुआ है मैंने इसमें? अपना काम का सामान निकाल लेंगे, बाकी को फेंक दो। I would not problem with it. चल से बाहर निकालो। अरे विलियम भाई, एक बार और सोच लो। मुझे तो बहुत डर लग जा, कहीं ये फिर से जिंदा ना हो जा। कूल मेरे बच्चे, कूल। मेरे पास एक ऐसा इंजेक्शन है, इसको लगाते ही सारे नट बोल्ट खुल जाएंगे इसके। अपना काम का सामान निकाल लेंगे भाई, फिर फेंक देंगे। I would not problem. अरे चलो करो यार, जल्दी करो। ओ भाई, अभी ये कौन सा लगा दिया? अबे चार मार मार ली, जिंदा हो गया, भागो। हेलो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। और गाइस, वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करो, बहुत मेहनत लगी है गाइस। जितना प्यार पिछली वीडियो को दिया था, इस पे भी इतना ही प्यार होना चाहिए गाइस। और गाइस, अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। और गाइस, मुस्टैक का हेयर केयर कॉम्बो आपके बालों के लिए एकदम परफेक्ट है, सो जाओ और यूज करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके ऑर्डर करो। और गाइस, इंस्टाग्राम पे सब भाइयों को फॉलो करो। इन्हें मत करियो, मुझे करियो बस। ओके यार, यहाँ पे ये वीडियो खत्म। भाई देखो, जो प्लॉट था वो कोरोना के आसपास बुना गया था, है ना, कि कोरोना सब जगह फैल रहा है, सरकार क्या कर रही है ना, और डॉक्टरों ने ही नहीं उसे लैब में बनाया था, बाद में चमगादड़ पर एक्सपेरिमेंट करते करते फिर उसके बाद वो फैल गया। ठीक है, तो ये इसी सीरीज पर बेस्ड है। और उसका लास्ट में जो ट्विस्ट आया ना, वो उसका अपडेटेड वर्जन ओमिक्रॉन है ना। तो ओवरऑल यार, सेटअप जो था वो कोरोना और उससे बचने के लिए
वैक्सीन वगैरह उसके बारे में मैसेजेस, इसमें काफ़ी सारे मैसेजेस भी थे, काफ़ी सारे मतलब रिलेटेबल कंटेंट भी था। तो आई होप आप लोग को रिएक्शन भी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, है ना। तो अगर पसंद आए तो यार मतलब पूरी वीडियो में एक वो चीज़ फ्लो में चल रही थी सारी चीज़ें, कि एक पहले कोरोना बनाया गया, फिर उसके बाद वो कैसे फैला, लोग उससे कितना परेशान हुए, उसके बाद उसकी वैक्सीन भी बन गई है ना, और निजात भी मिलने लगी, फिर लेकिन उसका अपडेटेड वर्जन वो दूसरा एक और आ गया। सो यार काफ़ी अच्छी वीडियो थी, एंड आई होप आप लोग को रिएक्शन भी पसंद आया होगा। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।